गोविंदपुरी में आज नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर सोशल एम्पावरमेंट और सच्ची सहेली के साथ मिलकर अस्मिता ग्रुप थिएटर ने यहाँ पर एक नाटक देखा है, जिसमें उद्देश्य था कि जिस तरह से लड़कियों को हर महीने पीरियड्स या मेंस्ट्रुएशन होता है और किस तरीके से उन्हें इन दिनों में कई सारी तकलीफ होती है, लोगों को बताने में हिचकिचाहट औरतों को लड़कियों को होती है और कई बार इसके ऊपर लड़कियों का स्कूल कॉलेज या अन्य जगह पर मजाक बनाया जाता है, तो उसको लेकर लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए नाटक किया गया। इसमें नाटक के जरिए लोगों को समझाया गया कि किस तरीके से औरतों को हर महीने होने वाली परेशानी का लोगों के सामने विवरण नहीं कर पाते और बाकी मर्दों को भी हिचकिचाहट के चलते वह नहीं बता पाती, उनका समाज में इस चीज़ को लेकर मजाक बनाया जाता है और इन सब का मतभेद हटाने के लिए गोविंदपुरी में यह नाटक किया गया, जिसमें कि इस मुद्दे को एक नाट्य रूपांतर के जरिए समझाया गया कि किस तरीके से इन मुश्किल दिनों में लड़कियों का या तो मजाक उड़ाया जाता है या फिर एक तरीके से उनका बहिष्कार कर दिया जाता है, उनको पूजा स्थल किचन या इन सब में नहीं जाने दिया जाता और दुर्व्यवहार इन दिनों लड़कियों के साथ किया जाता है, तो उसी मतभेद को हटाने के लिए यहाँ पर एक नाटक किया गया और लोगों को इसके बारे में समझाया गया। आपका नाम और आपके एनजीओ का नाम बताइए। मेरा नाम मानसी जैन है और मैं नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर सोशल एम्पावरमेंट से हूँ। हाँ, हमारी एनजीओ को नेशनल एनजीओ भी कहा जाता है। आज का जो नाटक आपने करवाया वो किस मुद्दे पर था और किस तरीके की आप लोगों को समझाना चाहते हैं? ये जो मुद्दा है इसको कल 5 तारीख है वहाँ पे वर्ल्ड मेंस्ट्रुएशन डे सेलिब्रेट किया जाता है, इसी मुद्दे पे हमने नुक्कड़ नाटक करवाया अस्मिता थिएटर ग्रुप के साथ मिलके और सच्ची सहेली फाउंडेशन के साथ मिलके। यहाँ पे हम ये दिखाना समझाना चाह रहे हैं लोगों को कि ये जो मेंस्ट्रुएशन है या महावारी है ये कोई गलत चीज़ नहीं है, इससे फ़ायदे भी हैं और इससे शर्माने की डरने की घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये अब वो वक्त आ गया जब हम खुल के बोल सकते हैं। आपने देखा होगा कि हम जब कभी जाते हैं केमिस्ट पे भी पैच लेने तो काले पन्नी में रैप करके पेपर के पन्नी में रैप करके, लेकिन क्यों, इसमें कुछ गलत चीज़ तो नहीं मांग रहे हैं, तो वो लोग खुल के भी तो दे सकते हैं। और लड़कियां भी हिचकिचाती हैं, हमारे अगर फादर को भी बोलते लेने जाने हम भी हिचकिचाते हैं उनको बोलने के लिए आप ला दीजिए, बट इसमें ऐसी कोई गलत चीज़ नहीं है। तो यही एक मैसेज है जो हम आगे कन्वे करना चाहते हैं कि इस चीज़ से आगे फ़ायदे भी क्या हैं और हमें क्यों नहीं डरना चाहिए, क्यों इस चीज़ के बारे में खुल के बोलना चाहिए, तो इस वजह से करवाया था। नाटक के जरिए लोगों को समझाना ज़्यादा आसान है? जी बिल्कुल, क्योंकि जब इतने सारे लोग मिलके इतनी बातें बता रहे होते हैं तो किसी का कुछ अलग तरीका किसी का अलग तरीका होता है, उस तरीके से जब हम समझाते हैं तो आपने देखा हो पिक्चर के थ्रू कोई चीज़ समझानी आसान होती है किताब में पढ़ने के थ्रू, तो वही एक ये तरीका है कि नुक्कड़ नाटक के जरिए समझाना थोड़ा आसान हो जाता है। आप सब, मेरा नाम तान्या है, मैं लाडली फाउंडेशन से हूँ। पहले तो नमस्कार सबको, और आज हमने यहाँ गोविंदपुरी के स्लम में एक नुक्कड़ नाटक किया है अस्मिता थिएटर सच्ची सहेली है नेशनल एनजीओ के साथ। हम लोगों ने महावारी मेंस्ट्रुअल हाइजीन एंड मेंस्ट्रुअल एजुकेशन के ऊपर नाटक किया है और इस बारे में जागरूक करा है कि ये कोई छुपाने वाली डरने वाली या चोरी की गलत चीज़ या बीमारी नहीं है, एक हिस्सा है हम औरतों की ज़िंदगी का जिसको लेकर हमें बहुत प्राउड बहुत गर्व महसूस करना चाहिए कि इस वजह से हम दुनिया आगे बढ़ा रहे हैं, इसके साथ हम देश चला रहे हैं और भगवान ने हमें शक्ति दी है कि हम एक अगली जनरेशन को जन्म दे सके इसकी वजह से। तो लोगों को किस तरीके से आप समझा रहे हैं आप नाटक के जरिए और कोई भी तरीका है? हम उनसे बहुत खुल के इस बारे में बात कर रहे हैं, अभी मैंने सैनिटरी पैड भी दिखाया सबको और पूछा उनसे कि ये क्या है, कब इस्तेमाल करते हैं, क्यों इस्तेमाल करते हैं, किस बात का डर, किस बात की शर्म। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ मुझे है और तुम्हें नहीं है, सब औरतों को, सब महिलाओं को, हमारी बच्चियों को भी है, तो इस बारे में खुल के जीना चाहिए।